रहे थे, अंग्रेजों की अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहे थे और इन्हें खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दिया। लेकिन खिलाफत आंदोलन विफल हो गया और उस विफलता के उपदेश नहीं दिया कि हमारे यहाँ के जो हिंदू चाहे यहाँ रह सकते हैं, उनका हमारी सेना पूरी सुरक्षा करेगी। महात्मा गांधी के कारण यह ज्यादा जन जिंदा रहा तो फिर से हिंदू उसी अवस्था में पहुंच जाएगा जो मुगल कालीन शासन था, जिन्हें का महिमा मंडन ज्यादा हुआ और लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी फर्जी तरीके से। ऐसी दुरात्मा महात्मा गांधी का वध किया और इस देश का विभाजन होने से बचाया। मैं नमन करता हूं उनको और 15 नवंबर सन 1949 को अंबाला की जेल में उनको फांसी दी गई थी, उनके साथ नाना आप्टे जी को भी। तो आज के दिन हम उनकी पुण्यतिथि उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करके जो है ये मनोकामना करते हैं कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे और जो मार्ग उन्होंने अपनाया अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। नाथूराम गौड़से बापू के हत्यारे नहीं थे, उन्होंने एक विचारधारा का अंत किया। वो विचारधारा थी मुसलमानों की अंधभक्ति करना और महात्मा गांधी ने हमेशा मुसलमानों की हर मांग के आगे हिंदुओं को झुकाया, उनको लुटाया, उनको मरवाया। और इस भारत देश के विभाजन जब हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कि अगर देश का विभाजन हुआ तो मेरी लाश पर रहेगा, और गांधी जी जिंदा रहे और 20 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया।